मैंने कर लिए कपड़े चेंज, मैंने पहन लिया है अपना कुर्ती एक और लॉन्ग कुर्ती है ये, और मैंने साड़ी निकाल दी है क्योंकि मुझे बहुत इरिटेट हो रहा था। मैं गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और मुझे पता है अभी मैं थोड़ी देर बाद खाना बनाना स्टार्ट करूँगी तो उसके बाद मुझे और ज़्यादा गर्मी लगेगी, तो बस मैंने ईयरिंग्स भी चेंज कर दिए हैं और मंगलसूत्र तो मैं अभी भी पहनी हुई हूँ और मैंने ये कुर्ती भी रखी हुई है आप लोग देख सकते हो। और लक्ष्य अभी उधर खा रहा है खाना और मैं आपको अपनी टीवी दिखा देती हूँ कि उसका लुक कैसा आ रहा है टीवी का। और अनिल गए हैं मिठाइयाँ लेने के लिए, कुछ और भी सामान था वो लेने के लिए, तो देख सकते हो ये है हमारी टीवी, ये 55 इंची की है। और जब हम वहाँ देख रहे थे तब मुझे लग रहा था, मैंने बोला जानू 50 इंची की ले लो, तो बोल रहे थे कि नहीं 55 की लेंगे, लेकिन यहाँ पे आके 55 की भी छोटी लग रही है आप लोग देख सकते हो, है ना। बट इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत गजब बहुत अच्छी है। तो चलिए दोस्तों मैं कपड़ों पर जब तक कर लेती हूँ प्रेस, अनिल के कपड़ों पर, लक्ष्य के कपड़ों पर जो शाम को पहनने वाले हैं, और मेरे कपड़ों पर तो होगा ही क्या क्योंकि मैं तो साड़ी पहनने वाली हूँ। और लक्ष्य भी बोल रहा था कि मम्मा आप यही पहनने वाली हो मेरे बर्थडे में, मैंने बोला हाँ कि मम्मा अच्छा तो लग रहा है लेकिन साड़ी पहन लेते तो और अच्छी लगती, तो मैंने बोला कि नहीं बेबी मैं यही पहनूंगी। तो अभी मैंने उसको भी नहीं बताया कि मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, मैंने उसको बोल दिया बेटा मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि अगर मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा और केक कटिंग हम लोग करेंगे तो मैं इसको पहन के भी केक कट कर सकती हूँ अगर मैं तैयार ना हो पाई तो। चलो दोस्तों सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो जाता है किसी किसी दिन, तो कल भी हुआ था और आज भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, तो बस मैं कपड़ों पर प्रेस कर लेती हूँ। और जूड़ा मैंने बनाया हुआ तो वो नहीं निकाला हुआ, ऐसे ही बना लिया था मैंने क्योंकि गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा हो रखी है। ये कंगन भी थोड़े थोड़े मैच कर गए ना इसमें, बिल्कुल मैच कर गए यार पिंक वाले तो। चलो दोस्तों, तो दोस्तों मैंने कपड़ों पर प्रेस नहीं कर पाई थी और लाइट चली गई थी ना इसलिए, तो मैं सोच रही थी जब तक मैं आराम कर लेती हूँ तब तक लाइट आएगी, तब तक तो मैं सो गई थी, तो मुझे सोते सोते आधे घंटा हो गया समथिंग, लाइट अभी तक नहीं आई है। समय हो रहा है 4, तो मैं आ गई हूँ किचन में खाने की तैयारी करने के लिए, डेकोरेशन वाले आने ही वाले होंगे, उनका कॉल आ गया था, तो बस मैंने यहाँ पे खाना मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी आज क्या बना रही हूँ क्या नहीं, बाद में कैसे बना रही हूँ ये तो शेयर नहीं कर पाऊंगी, आप लोगों को पता है कितनी ज्यादा बिजी हूँ। तो यहाँ कुकर में मैंने छोले चढ़ाने रख दिए हैं, उसमें एक आलू मिक्स कर दिया है, उधर मैंने चावल भिगो के रख दिए हैं, उसके बाद सब्जी बनेगी और इसके बाद ये छोले बनेंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ बनेगा और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब खाना बन जाएगा तब कि खाना ये बना है। और क्योंकि इतना तो ब्लॉग लेंथी हो जाएगा और कि मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या कैसे बना रही हूँ, तो डेकोरेशन वाले भी आते ही होंगे। तो चलो दोस्तों आ गए, चलो दोस्तों वो आ गए, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि बलून वाली मशीन है वो इन्वर्टर से चल नहीं रही है बिल्कुल भी, थोड़ी सी चली और उसके बाद वो बंद हो गई, और बलून वाले डेकोरेशन वाले भैया बैठे हुए हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा, और थोड़े बहुत बलून तो है नहीं जो हाथ से फुला लें मुँह से फुला लें, और वो हैंड वाली मशीन ले कर नहीं आया जो हाथ से वो फुलाते हैं। अब देखो क्या होता है, देखते हैं कब तक लाइट आती है, लाइट है नहीं, ये भैया आए थे और ये भैया जा रहे हैं, अब कोई दूसरे भैया आएंगे, देखो जो लाइट आ जाएगी तब देखते हैं। तो डेकोरेशन वाले भैया आए थे चले गए क्योंकि यहाँ पे बैठ के क्या करते हैं क्योंकि उनकी और भी बुकिंग होती है तो उनको और भी करनी होती है और पता नहीं कब तक लाइट आएगी। तो हुआ क्या था कि वो चले गए, उसके 10 मिनट बाद ही लाइट आ गई, 5 मिनट के लिए फिर चली गई लाइट। और अभी अनिल चले गए अपने फ्रेंड को लेने के लिए मेट्रो स्टेशन क्योंकि उनके फ्रेंड आ रहे हैं, तो वो चले गए हैं उनको लेने के लिए। और मैं कर रही हूँ तैयारियाँ किचन में, और मैंने नेल पेंट लगा लिए देख सकते हो आप, लेकिन ये वाली नेल पेंट है जो मैंने लगाई है इसमें टाइम लगता है थोड़ा सुखाने में, तो अभी तो ये ख़राब हो जाएगी, काम तो लेकिन करना है क्या कर सकते हैं, ख़राब होगी तो हो जाएगी है ना। इस वाली हाथ में मैंने ये वाली नेल पेंट लगाई है। और लक्ष्य सो गया है, मैंने दोनों रूम का गेट ओपन कर दिया है, उस रूम का फैन चल रहा है इसका बंद कर दिया क्योंकि टीवी भी चली थी, तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं कब तक लाइट आएगी तो डिस्चार्ज ना हो जाए। वैसे तो हमारा बैटरी अभी न्यू है बट फिर भी सोच समझ के चलना चाहिए, दिमाग खराब हो गया इतना रोना आ रहा है ना मुझे, क्या बताऊं मैं यार ऐसा क्यों होता है। तो फाइनली लाइट आ गई और मैं प्रे कर रही हूँ भगवान से कि हे भगवान लाइट ना जाए अब, क्योंकि आज यहाँ पे काम चल रहा था लाइट का, अनिल अभी गए थे ना वो अपने फ्रेंड को लेने गए थे तब देखते हुए गए थे कि लाइट क्यों नहीं आई है क्या वजह इसकी, तो यहाँ पे कुछ काम चल रहा है पास में तो सारे एरिया की लाइट थी और जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास लाइट नहीं थी,
तो बस अभी अनिल अभी तक नहीं आए हैं, फोन पे मेरी बात हुई जस्ट, तो मैंने उनको कॉल किया था कि वो डेकोरेशन वाले भैया के लिए कॉल कर दो, लाइट आ गई, तो उन्होंने बोला कि मैंने कर दिया ऑलरेडी, तो भैया आते ही होंगे, देखो कब तक आएंगे यार, कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन अनिल के फ्रेंड आ गए हैं, बस 2 मिनट में आने वाले होंगे। और मैं बना रही हूँ सब्जी। वलून भैया फाइनली भैया ने फुला दिए हैं और हमारा टेंशन खत्म हो गया, अगर लाइट जाती भी है तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। क्यों भैया भूल चुके हैं ये येलो भी मशीन रख तो नहीं थी, येलो बाद में कर देना, हाँ बाद में कर देना। तो ये पैकेज में था और जो येलो वाले हम एक्स्ट्रा लेके आए थे, जो हमारे हैं ये भैया फुला के फिर ये भी लगा देंगे, ठीक है। तो अभी इस वाली वॉल पे तो ये सारा लग गया है और जो हमारे बलून है उनको भैया अभी इनमें हवा भरेंगे और ये डले हैं बंच, तो ये लग जाएंगे चारों तरफ। जब एकदम रेडी हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसा लग रहा है। तो फाइनली आप देख लीजिए डेकोरेशन हो गया है और अभी सफाई नहीं हुई है, तो बाद में मैं सफाई करूंगी क्योंकि अभी मैं किचन में बना रही हूँ खाना। तो ये इस टाइप से कुछ लग रहा है, लुक इस टाइप से आ रहा है कि जब एकदम क्लीन हो जाएगा फिर मैं आप लोग साथ शेयर कर दूंगी। और ये बिना कपड़े पहने हुए घूम रहे हैं, बिना कपड़े तो नहीं, ये कपड़ा नहीं है। हाँ तो मटर लेके आओ, मटर तो मैं इनको बोल रही हूँ मटर लेके आओ। तो दोस्तों मोनू आ चुका है लेकिन भाभी को नहीं लेके आया है और दीदी को भी नहीं लेके आया है। क्यों नहीं लेके आया? भाभी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो लेके नहीं आया, और ये वर्दी में इसलिए आया क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा ड्यूटी के लिए। भगवान कसम मेरा दिल दुख गया, भगवान कसम। पर हाँ मैंने भाभी से भी बात कर ली बट कंडीशन नहीं थी इसलिए मैंने भी ज्यादा जबरदस्ती नहीं करी फिर है। मैंने ऑपरेशन हुआ तो मैंने तो ये बोला था उनको कि आके तुम बैठ ना, आराम करना भैया, कौन सा काम करवाना है, बट फिर भी कोई बात नहीं है, मोनू आ गए वही काफी है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। क्यों मोनू अगर यहाँ रहेंगे तो ऐसा ना हो कि तेरी वही हो जाए पोस्टिंग। तो खाना बन चुका है, बर्तन बहुत सारे हो चुके हैं, पूड़ियाँ बनाना अभी बाकी है। तो किचन में ही अनिल है, किचन में ही मेरा भाई है, तो दोनों खड़े हुए हैं। तो अनिल बोल रहे हैं कि भाई इतने सारे बर्तन सुबह से साफ नहीं किए क्या? तो मैं बोल रही थी कि बर्तन तो हो ही जाते हैं खाना बनाते हैं तब, सुबह के तो बर्तन है ही नहीं, मैंने तुरंत साफ कर दिए थे, तो बस अभी बनाऊंगी पूड़ियाँ, संग में बात कर रहे हैं हम लोग। दोस्तों खाना सारा बन चुका है, बस पूड़ियाँ बनाना बाकी है, तो पहले फाइनल नहीं हो रहा कि केक कटिंग करेंगे खाना, तो मैं इनसे बोल रही हूँ सब लोग आ गए हैं तो खाना खिला देते हैं फिर आराम से केक कटिंग करेंगे। और वो बात ये है ना कि अंकल का कोई भरोसा नहीं है, जल्दी सो जाते हैं ना, अंकल को जल्दी सोने की आदत है, तो इस वजह से तो फिर अभी देखते हैं। बट आज अंकल बोल रहे हैं कि नहीं तुम आराम से कर लो, तो मैं सोच रही हूँ पहले खाना बना देती हूँ। और रूम का सब कुछ हो गया, मैंने बेडशीट वगैरह भी अच्छे से चेंज कर दी है दोनों रूम की, और भाई साहब वगैरह भी आ गए, मेरे मामा ससुर के बेटे और मेरा भाई आ गया है मोनू, और इनके फ्रेंड भी आ गए हैं, तो सब लोग आ गए हैं। और ज़्यादा लोग तो आए नहीं हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर कोई ज़्यादा है ही नहीं, तो जितने लोग थे आ गए हैं, भाभी नहीं आ पाई हैं क्योंकि भाभी का ऑपरेशन हुआ है, तो अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो कोई बात नहीं है। अब मैंने तो उनको बोला था बट ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए वो नहीं आई, वरना वो ज़रूर आती। तो मोनू अकेला आया है, वो जल्दी ड्यूटी पर निकलेगा, 9 बजे निकलेगा वो ड्यूटी, 9:30 तक निकल जाएगा, तो तब तक अभी तो समय हो रहा है, चलो 8 बजे 8:30 बज चुके हैं, और बस मुझे पूड़ियाँ बनाना बाकी, चटपट से बना देती हूँ मैं पूड़ियाँ, आटा मेरा रखा हुआ है, चलो तो बस बना देती हूँ। और हालत देखो पसीना कितना आ रहा है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। देखो क्या प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा थक तो जाते हैं, क्योंकि अगर 4 के लिए खाना बनाते 10 लोगों के लिए तो बनता ही है, ठीक है, तो बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, तो बस मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। बट कोई बात नहीं है, क्या होता है अगर पहले केक कटिंग करती तो बाद में मुझे प्रॉब्लम आती है ना, ये तैयार होने देते कि जल्दी करो, अब आराम से तैयार हो, आराम से केक कट करो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई ना बचे केक कटिंग के लिए, हम अकेले केक कट रहे, क्योंकि सब लोग जाएंगे अपने अपने, मतलब वो ड्यूटी जाएगा और अंकल तो आ सकते हैं अगर नहीं सोए तो नीचे से केक कटिंग के लिए, तो चलो बना देती हूँ मैं पूड़ियाँ। आप देख सकते हो ये मैडम ने खाना बना रही हैं, ये पूड़ियाँ सेक रही हैं, और क्या क्या बनाया मैडम ने, ये सलाद है जिसमें खीरा है, नींबू है, मिर्ची है, प्याज है, और ये जीरा राइस बनाए हुए हैं, ये मटर पनीर है, और ये बनाए हैं छोले, और ये है रायता। तो इतनी मेहनत कर रही हैं, सवेरे से लगी पड़ी हैं,
मिठाई और मिठाई मिठाई लेकिन मार्केट की है। मिठाई हम एक मार्केट से दुकान से शॉप से लाए हैं और मैडम सवेरे से लगी हैं, परेशान हो गई हैं, इनके पैरों में दर्द हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कोई बुला लूँ पैरों वाला, इनके पैर हटवा दूँ उसके लगवा दूँ। अब डांस करूँगी ना तब सब सही हो जाएगा, यही मैं कहने वाला था। चलो तो गाइस अब कुछ मेहमान आ गए हैं, उनको खाना खिला दूँ फिर इनको प्यार दे दूंगा, ठीक है? चलो बाय। तो आज के खाने में ये छोले की सब्जी, ये रसगुल्ला, ये लड्डू, ये सैलेड, ये पूड़ी, ये पापड़, ये पनीर की सब्जी, ये रायता बूंदी का और ये जीरा राइस। तो ये है बर्थडे बॉय की थाली जो कि बर्थडे बॉय खाएगा। अभी थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने दी हैं क्योंकि ज्यादा नहीं खाएगा, पेट भर जाएगा उसका, इसलिए। बेबी कितना भूख लगा है? बेबी बहुत ज्यादा। तो चलो वही खा लेने तो खाना, और मैं अभी बना रही हूँ पूड़ियाँ, अभी मेरी पूड़ी बनी नहीं है और सब लोग खाना खा रहे हैं वहाँ पर। अंकल अभी आए नहीं, अंकल और फिर उसके बाद खा लेंगे, यानी लास्ट में खाऊंगा। तो ये रेडी कर रही है अंकल की थाली और मैं अंकल को नीचे देने जाऊंगा क्योंकि अंकल यहाँ नहीं खाएंगे, ऊपर वो नीचे अंकल ही खा लेंगे, नीचे ही खाएंगे। लगेगी तब जो केक कटिंग होगी तब वो आ जाएंगे, अगर जाग रहे होंगे तो, नहीं जाग रहे होंगे तो नहीं आएंगे। मिर्ची नहीं खाएंगे वो? मिर्ची प्याज कुछ भी नहीं खाते वो, नींबू कुछ नहीं खाते और चावल नहीं खाएंगे। तो उनका आइटम ये ना, तो आप ले आओ, इसी में रख दूंगा। हाँ इसमें रख दो, थाली से ढक देना, मैं दे आऊंगा। तो ये अंकल को खाना देके आ गए हैं और अभी नीचे और भी लोग हैं, उनके लिए खाना लेके जा रहे हैं। और बनियान पहने हुए, मैं बोल रही थी कपड़े पहन लो यार, बनियान पहने क्यों घूम रहे हो? बिना केक कटिंग के अपनी, और उसका मामा गिफ्ट दे रहा है क्योंकि हम केक कटिंग में लेट हो गए और उसको ड्यूटी जाना है, इसलिए लक्ष्य के लिए वो गिफ्ट लाया है, तो दे रहा है। मामी का, उसकी मामी ने पहुँचाया है। मामी नहीं आई तो उसने गिफ्ट भेजा है मामी ने। कैसा लग रहा है? लेना तो सबको अच्छा लगता है। अगर रुकता तो और अच्छा लगता, लेकिन अब जाए। अब ये है कि वो देखो, आप देख सकते हो यूनिफॉर्म में है तो उसको ड्यूटी पे जाना है। तो चलो गाइस, एक दिन मैं इसकी वर्दी पहनूंगी, इसके घर जाऊंगी, तब मुझे अच्छी लगती है। उस लायक बनो पहले यार, वर्दी ऐसे पहना ही पहनी नहीं जाती किसी की। पर फिर उसमें ये नहीं लगा सकते तुम, ये टैग CISF वैसे वैसे ड्रेस को पहन सकते हो, बिना त्यागी तो निकल जाएगा, सब निकालने पड़ेंगे, इस लायक तो बनना पड़ेगा। चलो तो ठीक है, भैया भी उसका बोल रहा है बहन को कि इसके लायक नहीं होगा, ठीक है? ऐसा नहीं बोला मैंने। चलो पहले मैं घर गई थी तब उन्होंने मुझसे बोला था कि दीदी आप आओ तो पहन लेना। चलो तो मैं पहन, तो फिर जाके पहन लेना, ठीक है? लेकिन इंसान है ना, वो लेट हो रहा है, वो लेट हो रहा है, लेट। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ, लक्ष्य भी तैयार हो गया है और अनिल भी तैयार हो गए हैं। सब लोगों ने खाना पीना खा लिया है, मैंने आधा खाना खाया आधा नहीं खाया है, मोनू चला गया है और अभी करेंगे हम केक कटिंग। तो बस केक कटिंग की तैयारियां हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आप लोग देख सकते हो, फेस से ही अंदाजा लगा सकते हो। सोचा बहुत कुछ था बट हुआ कुछ नहीं, बट कोई बात नहीं, चलो केक कटिंग कर लेते हैं, टीका भी कर लेते हैं। देखो मेरे सिंदूर ऊपर की तरफ लगा हुआ है, और ज़्यादा लोग तो नहीं आए थे बट जितने भी लोग आए थे तो खाना खा के चले गए हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हम लोग। बस अनिल के एक फ्रेंड है वो रुके हुए हैं भैया, तो वो जाएंगे कल। और मैंने सबको खाना अंकल के लिए नीचे भिजवा दिया था और अंकल के साथ में एक और थे उनके लिए भी नीचे भिजवा दिया और सिक्योरिटी गार्ड को भी दे दिया। हाँ पीछे भी खाना भिजवा दिया, पीछे वाली बिल्डिंग में, और सब लोग यानी कि निपट चुके हैं एकदम। बस अभी मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी, वैसे मैंने थोड़ा सा खा लिया, एक पूड़ी खा ली मैंने, बट वही ना जल्दी जल्दी के काफ़ी लेट हो गए, बट फिर भी सब लोग चले गए थे क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी।
और लक्ष्य तो अपनी सैतानियों में लगा हुआ है और मैंने ये रेड साड़ी वियर की हुई है, आप लोग देख सकते हो ये वाली। और अनिल ने अभी कपड़े नहीं पहने हैं, वो पहनेंगे कपड़े क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। कल उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, बट मुझे लग रहा था कि ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, तो बस क्या कर सकते हैं। मुझे मतलब अभी उन्होंने कल तो टैबलेट ले ली थी और आज भी थक गए हैं, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि बहुत ज़्यादा रेगुलर काम 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 इस वजह से, और घर परिवार से दूर बर्थडे कुछ इस तरीके से ही मनाई जाती है। ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगता बट ठीक ठाक लगता है। वैसे तो काम में ही बिजी थे सारे दिन, सुबह मंदिर गए थे फिर आके तैयारियों में लग गए थे, और आज लाइट ने भी बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, बहुत ज़्यादा। तो लक्ष्य भी तैयार हो गया है, कम यार लक्ष्य है, और लक्ष्य तो तैयार होना ना होना एक बराबर है, वही शैतानी करने पर लगा हुआ है। हाय बोल दो। हाय। तो अभी इसका मैं करूँगी तिलक, उसके बाद हम करेंगे केक कटिंग। कैसा लग रहा है बेबी आज आपका बर्थडे? अच्छा। है अच्छा लग रहा है उसको, है ना? तो चलो अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा। और इसने रेड वाला मेरा वाला चश्मा लगा लिया है, वैसे इसकी फेस पे भी फिट आ रहा है ना। और आज इसने अपनी पसंद से ड्रेस पहनी हुई है उसमें से निकाल के, और ये मैंने देख सकते हो ये मैंने निकाले हुए तो ये पीछे जा रहे हैं बार बार, इनको मैं फिर से कर लेती हूँ क्योंकि इनको करे हुए मुझे काफ़ी कर्ली करे हुए थे मैंने, काफ़ी टाइम हो गया इसलिए ये ऐसे हो गए हैं, क्योंकि बार बार मैं ऐसे कर रही हूँ, मेरे को आदत नहीं है ना तो मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ इस वजह से। और कुछ इस तरीके से मैंने हेयर स्टाइल बनाई हुई है, टाइम ज़्यादा नहीं था, मैं क्या करूँ अभी अभी भी मैं बात इसलिए कर रही हूँ आप लोगों से, अनिल का भेंट हो रहा है ना इसलिए, और मोनू आया था, मोनू भी नहीं रुका, भाभी का तो ऑपरेशन हुआ है तो भाभी नहीं आई, मैंने भी उनसे फ़ोन पे बात की थी, मुझे भी नहीं पता था कि उनका ऑपरेशन हुआ है, तो 7-8 दिन पहले ही अनिल ने बोला था कि उनका नौता कर दो, क्योंकि उसको मोनू को भी छुट्टी लेनी पड़ेगी अगर नहीं मिली, क्या पता किस टाइम पर ड्यूटी हुई, तो मैंने फ़ोन किया था तब मुझे मालूम चला कि भाभी का ऑपरेशन हुआ है, तो भाभी तो नहीं आ सकती हैं वैसे तो, बट फिर भी मैंने बोला था कि आराम कर लेना आप, यहाँ पे आके कर लेना, लेटे रहना क्या दिक्कत है, बट वही ना कि थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आ ही जाती है, इसलिए भाभी नहीं आई हैं। कोई बात नहीं, फिर कभी आ जाएंगी, और मेरे को भी इतना टाइम नहीं मिल पाया बिल्कुल भी कि मैं उनके यहाँ घूमने जा पाती, क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ है, तो अब देखो जब टाइम मिलेगा तो मैं उनके यहाँ जाऊँगी। और बस चलो तो कर लेते हैं केक कटिंग की तैयारियाँ और तिलक की तैयारियाँ, वैसे तो सब कुछ तैयार ही है। तो आप देख सकते हो ये लक्ष्य का टीका हो रहा है, उसकी माँ कर रही है उसका टीका। टीका का टीका टीका गांव में होते तो सब लोग करते, गांव के हिसाब से होता है, अब यहाँ तो यहाँ के हिसाब से बनाने पड़ते हैं सब त्योहार, बर्थडे हुआ, दिवाली हुई, होली हुई, गणगौर हुई, और ज्यादातर कोई आया नहीं है, लेडीज ही करती हैं टीका। पर यहाँ पर मुझे भी पुरजोर कोशिश की जा रही है कि मैं भी लक्ष्य का टीका करूं, बट मैंने अभी तक तो मना कर रखा है और अपना मनाही का ब्लॉक पास कर रखा है। मालिक साहब पैसे दे अरे दो। ब्लॉक कह रहा हूँ, बिल को बताओ जानू, मालिक साहब पैसे दे दो। अब पैसे तो तुम्हें उसमें रखने चाहिए थे, अब वही मालिक हो तो मालिक से पैसे मांगने पड़ेंगे, हाथ जोड़ के देख रहे हो आप, कितने चाहिए बताओ, कैसे हाथ फैलाने पड़ते हैं। हाँ तो 500 का दे दो बताओ, कितने चाहिए? 500। एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, चार चाहिए, पाँच चाहिए, छह चाहिए, सात, बोलो सारे, ये 500 का दे दो, मतलब इनको सारे दे दो, और लक्ष्य के लिए जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि सिर्फ एक दे दो, बताओ नहीं। ये ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं ना इस लाइफ में, हमें तो देनी पड़ेगी, ये देखो पैसा हमारा और क्रेडिट लेनी है कि मम्मी ने कितने दिए 500, पापा ने कितने दिए टेंगा, तो मम्मी पापा के तो 500, तुम दे दो 500, कौन मना कर रहा है? नहीं मैं तो पापा का ही नाम है, पापा की चाहिए, लड़का तो अपने ही है, पापा कमा रही है ना, मम्मी यानी कैसी, मम्मी नहीं कमा रही, अरे मम्मी तो बहुत कमा रही है, देख पापा की कमाई को भी ले लेती है, अपनी कमाई को भी ले लेती है, तो मम्मी तो बहुत कमा रही है, दो दो दो, देख पैसे के लिए कितना जल्दी कह रहा है लक्ष्य के लाओ, 3, 4, 5, 6, 7 ये क्या मजाक था? गिनता कौन है? बलैया कौन गिनता है? आपने बलैया साथ लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्या मजाक चल रहा है कि क्या चल रहा है, कुछ हो रहा है सेलिब्रेशन? मेरे बेटा हमेशा खुश रहे और आप लोग भी बेटे दिन कर, और मेरा आशीर्वाद है कि मेरा बेटा खुश रहे, उसकी मम्मी बहुत ज्यादा खुश रहे, क्योंकि उसकी मम्मी ज्यादा खुश रहेगी, वो गुल्लक में डालने गया भाई। तो अभी टीका हो गया तो अब होगी केक कटिंग, तो अब हम कर लेते हैं केक कटिंग, क्योंकि सारे लोग तो जा चुके हैं, रात बहुत हो चुकी है, तो अब हम अकेले ही केक कटिंग करेंगे, कोई बात नहीं, अकेले के हम तो यार मनाते नहीं है,
सारे लोग चले गए क्योंकि सारे लोग लेट हो रहे थे इसलिए। तो चलो लक्ष्य चलो केक कटिंग कर लेते हैं। चलो आपका तो टीका मर्द कब टीका करते भाई? जरूर याद करो पिछले साल आपने टीका वो जबरदस्ती जब कोई करता है तो करना पड़ता है, वैसे नियम नहीं है। अच्छा। हाँ मम्मी चाची काकी बुआ ताई यही करते हैं, कभी ये नहीं किया पापा चाचा ताया फूफा ये कभी टीका नहीं। चलो तो दोस्तों अभी हम करते हैं केक कटिंग की तैयारी, ठीक है? चलो बाय 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 बाय। 1 2 3 कम ऑन। ये देखो खुद के बर्थडे में खुद ही बीन रहा भैया टॉफियां, ये देख लो ये बर्थडे बॉय है, ये देखो ये देखो खुद ही ढूंढ रहा ना किसी से केक की पूंछी ना कुछ, बस खुद ही ढूंढने लगा है। अरे एक भी मौका नहीं छोड़ते। लक्ष्मी और मेरी फेवरेट है और इनकी फेवरेट नहीं है फिर भी खा लेते हैं। तो चलो दोस्तों अभी हम केक कट कर लिए, सबको दे देते हैं, सबको खिला देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे और अभी सब लोग सो गए होंगे नीचे और साइड वाइड में, तो उनको हम देंगे कल। आपको वैसे भी दिख रहा हो कोई उनको देंगे कल क्योंकि कल सुबह ही दे देंगे, फ्रिज में रख देंगे, रात में कौन डिस्टर्ब करे क्योंकि अभी समय हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ तो अभी थोड़ा करेंगे हम डांस, थक तो बहुत गए हैं लेकिन डांस तो करेंगे जानू थोड़ा सा। इनका ऑफिस है बट फिर भी ये थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेंगे, तब तक मैं लक्ष्य करेंगे। फोटो क्लिक करवा ले, दो चार फोटो क्लिक करवा लेते हैं। गानो फैन ऑन कर अभी लक्ष्य बलून को फोड़ रहा है क्योंकि और कोई तो है नहीं फोड़ने वाला। मुझे डर लग रहा है, आराम से धीरे धीरे लक्ष्य फोड़ो ना, इतना क्यों डरना, आँख बंद कर लो इससे कुछ होगा। इतना डर गया, इसको बड़ा डर लगता है, जोर से मारो उधर मत, देखो ना मेड़ वाला छोटा वाला। हाँ जल्दी करो अरे फूट जाएगा बेबी, डालो उसमें जोर से। ऐसे नहीं फूटेगा बेटा, हाँ ऐसे ऐसे जोर से। तो किसके अंदर? सही कह रहे हैं, अभी मैं फोड़ूंगी, ठीक है? अभी तो सारे अभी बलून फोड़ने, इनका क्या होगा ये सारे बलून का? तो
दोस्तों मैंने बहुत सारी रील्स बनवा ली हैं, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो कर लो। मेरी दो आईडी हैं तो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी। एक तो चैनल के नाम से ही है साधना ब्यूटी ब्लॉग्स के, और एक है साधना अनिल कुमार, बट मैं नीचे फिर भी मेंशन कर दूंगी। और अनिल अभी भी ऑफिस का काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी फ्री नहीं हुए, तो हमने सोचा कि रील्स अब बन चुकी हैं, बहुत सारी फोटो भी क्लिक कर लिए हैं, थोड़े बहुत लक्ष्य ने करे हैं क्योंकि उससे जैसा होता है वो कर देता है, मैंने उसके कर दिए हैं। और अभी हम स्पीकर लेके आ गए हैं और अभी हम करेंगे डांस। फिर उन्होंने बोला कि तुम करो जब तक, फिर मैं ज्वाइन कर लूँगा। और अनिल के दोस्त जो भैया आए हैं वो उनके पास ही बैठे हैं, वो बहुत ही साई टाइप के हैं, वो कैमरे के सामने भी नहीं आए थे। मैंने बोला जब आप कंफर्टेबल हो तभी आना, कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस भैया और अनिल बैठे हुए हैं, भैया जाएंगे कल, और मेरे मामा ससुर के बेटे थे वो चले गए हैं। और तो चलो दोस्तों हम कर लेते हैं डांस, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी है, थक भी बहुत चुकी हूँ, बट फिर भी मैं करूँगी क्योंकि ये दिन बार बार तो आता नहीं है ना। तो चलो दोस्तों कर लेते हैं थोड़ा सा डांस। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं डांस, हर चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं होता है सुबह से, तो फिर तो 24 घंटे का ब्लॉग बन जाएगा, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही शेयर करी है। मैंने इतना कट किया है ना, एक घंटे का ब्लॉग हो रहा था उसको मैंने अभी 28 मिनट का कर दिया है। आई नो लोग इसको भी स्किप करके देखेंगे, बट इट्स ओके, क्योंकि मेरे लिए तो यूट्यूब पर सेव रहेगा, तो हमेशा के लिए मैं देखती रहूँगी। और यहाँ पर कर रहा है लक्ष्य डांस, हम लोगों ने काफ़ी एन्जॉय किया थकने के बाद भी, तो आप लोग भी थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। अनिल भी करेंगे थोड़ा सा डांस, उसको भी एंजॉय कीजिएगा, वैसे उनको आता नहीं है बट मेरी खुशी के लिए उन्होंने किया, तो ये इससे बड़ी खुशी मेरे लिए हो ही नहीं सकती है। तो चलिए दोस्तों आप लोग डांस एंजॉय कीजिए, और मैंने सॉन्ग म्यूट कर दिया, अगर आप लोग बोलेंगे तो फैमिली डांस सारे लोगों का मैं एक वीडियो में शेयर कर दूँगी विथ सॉन्ग, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा, और आप लोग कीजिए डांस एंजॉय। थोड़ी थोड़ी आप लोग, मैं अगेन बोल रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी क्लिप ही मैंने शेयर की है, सब चीज़ें में पॉसिबल नहीं होता दिखाना हर चीज़ वीडियो में, इसलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।